गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल गुड आफ्टरनून। आज का जो व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ ये मैं दोपहर में शूट कर रही हूँ, दोपहर मैंने स्टार्ट किया है शूट क्या कर रही हूँ। और सुबह से आई वॉज क्वाइट बिजी विथ एवरीथिंग, बहुत सारा स्केड्यूल होता है सुबह से लेके शाम तक। लेकिन इसमें मुझे व्लॉग भी करना है, मुझे ये भी पता है, और मुझे अपना इंस्टाग्राम भी करना है, मुझे अपने फोटो शूट्स भी करने हैं, मुझे अपना मेकअप भी करना है, मुझे सब बहुत कुछ करना है। ये तो है मेरी दुख भरी कहानी। लेकिन व्लॉग दोपहर में स्टार्ट किया है तो भी क्या हुआ यार, सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो और बेल आइकन भी दबा ही सकते हो क्योंकि आपको पता है डेली व्लॉग आ रहा है। वन होल्ड अ सेकेंड, कॉल आई है। हेलो, हाँ जी, हाँ भेज दीजिए। कॉल्स दिन भर आती हैं, कोई ना कोई डिलीवरी, कोई ना कोई पिकअप, कोई ना कोई कुरियर दिन भर आता है। तो आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं दिखाने जा रही हूँ अपनी कुकिंग स्किल्स। कल आपने देखा होगा मैंने गट्टे की सब्जी बनाई थी और बहुत ज़्यादा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी करते 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 फाइनली वी गॉट इट और बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। प्रशांत ने तो इतनी तारीफ करी, उन्होंने तारीफ के पूरे पुल बांध दिए थे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुकिंग नहीं आती है, सो लेट मी टेल यू, नहीं आती है लेकिन मैंने सीख लिया है। मैंने यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं शादी के पहले मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, आता था बट जैसे जो रेगुलर होता है कि हाँ मतलब अपना पेट भर सकती हूँ मैं, उतना मैं बना लेती थी। लेकिन अब जो है मुझे काफ़ी कुछ आता है और मैंने यूट्यूब से कविताज़ किचन जो चैनल है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड देयर इज़ अ कुकिंग शुकिंग, वो मेरा फेवरेट है। अगर आप भी उनकी वीडियो देखोगे तो ही इज़ रियली वेरी स्वीट, वेरी क्यूट। और ये दोनों की मैं चैनल्स देख देख के मैंने काफ़ी कुकिंग सीख ली है। और आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। पनीर काफ़ी दिन से आया हुआ था बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको होल्ड करते हैं क्योंकि डेली कुछ ना कुछ न्यू वैराइटीज़ थी, लॉकडाउन है तो ऑब्वियसली डेली कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा है घर में, बन क्या रहा है मुझे बनाना पड़ रहा है। सो आज के व्लॉग में दो चीज़ें हैं, एक तो मेरी कुकिंग स्किल्स आप देखने वाले हो, दूसरी चीज़ ये है कि ईद आ रही है। ईद के लिए मैंने कुछ लुक सोचा हुआ है। कल मैंने मेरे ड्रेस और ज्वेलरी सारा कुछ मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या पहनना है, क्या करना है। आज मैं वो लुक क्रिएट करने वाली हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट भी करने वाली हूँ। जितने लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो जाके मुझे फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, डेली वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ नया कुछ अपडेट करती रहती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि डेली न्यू व्लॉग्स आ रही हैं। और हाँ, मेकअप की वीडियो मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं जब मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं इसका ट्यूटोरियल दे दो, इसकी आईजीटीवी बना दो। तो यार मैं एक ही वीडियो में कितनी जगह पोस्ट करूँ। मैंने मेकअप की वीडियो मैंने आईजीटीवी बना रखी है लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार लोगों ने यूट्यूब पे देख लिया होगा, इसको इंटरेस्ट होगा और फिर आईजीटीवी पे वही सेम चीज़ पोस्ट करूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी मैं अपलोड करूँ। और एक है मेकअप, ईद का चैलेंज, मतलब ईद का मेकअप करने वाली हूँ मैं, और दूसरी मैं कुकिंग करने वाली हूँ। देखते हैं दिन भर में आज हमारा क्या प्लान होता है और क्या चीज़ें होती है मेरे साथ, बट अभी के लिए बने रहो, जुड़े रहो। और मैंने आज थोड़ा लेट नहाया, मैंने आज दोपहर में नहाया, 2 बज रहे हैं, चलता है कभी कभी, लॉकडाउन में तो लोग नहाते भी नहीं है, मैं फिर भी नहाता रही हूँ। चलते हैं। एंड मैंने पनीर के लिए कुछ तैयारी कर रखी है तो आपको मैं ले चलती हूँ। एंड ये मैंने पालक रख दिए थे धो के बॉयल होने के लिए। ऑलमोस्ट ये बॉयल हो चुका है, ये मैं नहाने के पहले रख के गई थी। और ये मैंने ऑलमोस्ट मसाला रख दिया है, मेरा मसाला भी होने ही वाला है, थोड़ी देर में हो जाएगा। और जब तक ये सब रेडी हो रहा है तब तक मैं अपनी और कुछ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर लेती हूँ जो मुझे मेकअप का करना है। लेट्स गो। दिस इज़ द ड्रेस जो मैं पहनने का सोच रही हूँ फॉर द व्लॉग, आई मीन फॉर मेकअप। एंड ये उसकी चुन्नी है, आई लव दिस चुन्नी, मुझे बांधनी चुन्नी बहुत पसंद है। अभी जो मेरा मसाला था और ये अब मैश होने लग गया है, यस ऑब्वियसली ये पक चुका है और इसको मैं ठंडा होने दूंगी बिकॉज इसको मुझे ग्राइंड भी करना है ठंडा होने के लिए। देखते हैं, पालक हो गई है तो यस पालक भी हो चुकी है, अब हम इसको भी बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद हमें इसको भी ग्राइंड करना है।
सो ये मैंने मेरा मसाला डाल दिया हुआ है। तयम दिख रहा है ये, इतना इसका कलर इतना सुंदर कैसे आ गया। कभी कभी मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता कि ओके मतलब मैं भी इतना अच्छा बना सकती हूँ, बट येस आई हैव गुड कुकिंग स्किल्स। सो ये मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है और अब मैं इसमें डालूंगी पालक जो कि मैंने इसके रख लिया है, और ये मैंने डाल दिया पालक। और अब इसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं। सो ये मेरे पनीर क्यूब्स हो गए हैं, मैंने इनको डाइस कर लिया छोटे छोटे पीसेस में और ऑलमोस्ट ये मेरा होने ही वाला है। सो जैसे ही थोड़ा सा ये और बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें पनीर डाल दूँगी, देन इट इज़ रेडी। सो इसमें अब काफ़ी अच्छा बॉईल आ गया है, सो मैं इसमें डाल दूँगी पनीर। कहाँ गए? सॉरी, मैं आप बार बार आप जब खाना खाने बैठते हो मैं कैमरा ले आती हूँ, बट मुझे मतलब कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी हो रही है आपके। नहीं, मुझे रिव्यू जानना होता है। रिव्यू क्या होता है भाई? मतलब यार सब ऐसे कहते हैं कि मुझे अच्छा खाना बनाने नहीं आता है इसलिए। मतलब अभी बनाने लगे तो आप रिव्यू? हाँ तो ठीक है, आप पहले बताओ। दिख तो अच्छा कर रहा है, कुछ दिखाना एक बार, क्लोज क्लोज करो। वाओ, आपने मेहनत किया, आपका बनता है पता है। कैसा है, कैसा है भाई? जल्दी बताओ, खाऊं या ना खाऊं? सच्ची बताओ? सच में बोल रहा हूँ। आप इतने देर के बाद आप क्यों बोले? टेस्ट ले रहा था पूरा। आफ्टर लॉकडाउन हम लोग ढाबा खोलने वाले हैं। और कौन बनाएगा हमारे से? स्टार सेलिब्रिटी ढाबा। यस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं, हम एक्सप्रेस पार्सल ढाबा नहीं। हाँ, मैं खाना बनाऊंगी। नहीं, स्टार सेलिब्रिटी में खाना बनेगा। nice. और एक्सप्रेस पार्सल से डिलीवरी होगी। yes. और ट्रेंडी डील्स पे आप जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। और खाना खाने के बाद हमारा जो दूसरा चौथा ब्रांड है जस्ट रिलैक्स, उसके ऊपर आप जाके अपना आराम से रिलैक्स हो सकते हो। और पांचवा ब्रांड गेट फिट प्रो। गेट फिट प्रो पहन के दौड़ोगे तो आप फिट रहोगे। यार क्या प्रमोशन कर रहे हो। सो आज के मेरे काफ़ी सारे प्लान्स थे सुबह से। मैं एक दिन पहले सारा नोट डाउन करके रख लेती हूँ कि मुझे कल ये करना है, ऐसे करना, वो करना, तो जिसमें से सिर्फ आधा 25% हो पाया है और इसमें सारी मेरी गलती है और इसमें और किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं सो गई थी, मुझे पता नहीं चला। अभी जस्ट मैं उठी, मैंने देखा कि ओ नो, मेरा लुक रह गया है। और मैं कंफर्म नहीं थी कि ईद कब है यार। अभी जस्ट मैं सो रही थी और मुझे मैसेज आने स्टार्ट हो गए, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो मुझे ओ शिट, आज ईद है। लेकिन फिर जब मैंने गूगल किया तो पता चला कि आज शाम से कल शाम तक है। सो आई एम बेट रिलैक्स कि कल भी ईद है। सो ऑब्वियसली आई कैन पोस्ट दी पिक्चर टुमारो ऑल्सो। और अभी जस्ट मैंने व्लॉग अपलोड किया है, तो कल का व्लॉग जिसने नहीं देखा है, कल का आज अपलोड किया, हाँ 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 कल का। सो जितने भी लोगों ने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा वो जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करे और बेल आइकन भी दबाए और मेरा व्लॉग भी देखे। और उठाऊँ नहीं बहुत गहरी नीवेज हो रहा है। सो कपड़े तो मैंने आपको सुबह दिखा दिए थे, अब मैं ज्वेलरी निकाल लेती हूँ, ज्वेलरी दिखा देती हूँ थोड़ा। सो ये 3 लेयर का मेरा एक्सक्लूसिव ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने थोड़े से क्रिस्टल एंड बीड्स वाली इयरिंग रखती हूँ। सो मैं सोच रही हूँ ये वाला पासा सही रहेगा, गोइंग विद दिस। इस ड्रेस के साथ है ना। सो आई विल टेक दिस और बाकी ज्वेलरी फिर निकालती हूँ। और ये रहा मेरा दूसरा ज्वेलरी बॉक्स, दिस ये अच्छी लगेगी, इट्स ग्रे एंड गोल्डन ना।
सो फाइनली प्रशांत उठ चुके और ही इज़ फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे. मुझे नहीं पता क्यों ऐसा टायर्ड फील हो रहा है. अब वो कह रहे हैं कि उनको नज़र लग गई. सब कमेंट करते हैं, सिर्फ उनके लिए कमेंट करता है, मेरे लिए कोई भी कमेंट नहीं करता. व्लॉग सारी मेहनत मेरी होती है, व्लॉग मैं बनाती हूँ, एडिट मैं करती हूँ, अपलोड मैं करती हूँ, कैप्शन मैं डालती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ और तारीफ के पुल वो ले जाते हैं. सो गाइज़ ये लुक मैंने क्रिएट किया था, जो मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ कुछ शूट करने, तो ये लुक मैंने क्रिएट किया था और बहुत लेट हो चुका है, 9:30 बज गया है. सो सारा काम बाकी है, सो आई एम जस्ट गोइंग फटाफट. और इसका जो लुक ट्यूटोरियल है वो मैंने शेयर किया है दूसरी वीडियो में जो आने वाली है, सो आप वेट कर सकते हो उस वीडियो का. सो अभी तक मैंने मेकअप निकाला नहीं और जैसे मैंने बताया कि मुझे काफ़ी लेट हो गया मेकअप करते करते. मेरे रूम में इतने सारे रिंग लाइट्स आपको मिलेंगे कि मैं आप मतलब बता नहीं सकते, क्योंकि एक पे लाइट होगी, एक पे मिरर रखूंगी, एक पे कैमरा लगाऊंगी, एक पे फोकस, मतलब बहुत यहाँ इतने तामझाम होता है आई टेल यू. जैसे कि मैंने बताया मुझे मेकअप में काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 बज गया था. सो आई वुड लाइक टू से आई एम अ लकी वाइफ. और मतलब प्रशांत ने देखा कि आई एम बिज़ी एंड ही वेंट और उन्होंने खाना बना दिया. यार थोड़ा सा इशू ये हो गया कि मेरे बैक में पेन स्टार्ट हो गया. सो उनको बस मैंने इतना बोला कि यार पता नहीं क्यों मेरे बैक में पेन हो रहा है. एंड वो उठ के मुझे नहीं पता है व्हेन ही वेंट आउट एंड व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दैट थिंग. सो कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसा लगता है कि येस आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम. एंड सारी लड़कियों को ऐसा पति मिले यार, आई मीन आपका बहुत ध्यान रखे, आपका आपकी बहुत केयर करे. एंड मैं बस अभी आपकी तारीफ ही कर रही थी. यार ही गॉट मिल्क फॉर मी. चलो दूध आया है गरम गरम. और रात कितना टाइम हो रहा है, 11:10 बज गए. एंड अच्छा मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, माई हबी इज़ सो मच इन टू हिज़ वर्क. मेरी वीडियो को अपलोड होकर 3 घंटा हो चुका है और अभी जब मैं डाइनिंग बैठे खाना खा रही थी तो मैं अपनी वीडियो देख रही थी, तो इज आज सोशल मीडिया में तो इन्होंने मुझे एकदम से बोला कि ये तो अपना व्लॉग है, ये आपने कब डाला. मैंने कहा ये 3 घंटे हो चुके अपलोड हो गए इसे. अच्छा मुझे तो जल्दी में स्वाइप अप लगा था. हेलो, मेरे एक व्यूअर तो मेरे घर में ही हैं, जैसे ही मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ सबसे पहले मैं इनको दिखाना चाहती हूँ, बट ये अपने काम में इतने होते हैं कि आई कैन नॉट जस्ट शेयर. और सो मैं अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ और सबसे पहले क्लेंजिंग मिल लगा के आई विल वाइप ऑफ एवरीथिंग, फिर उसके बाद फेस वॉश करूँगी मैं.